नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों, इंजीनियर्स लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, चलो एक लेते अगले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और बाकी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों, चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन की तरफ से निकला हुआ है नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट कौन से है, तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है सिविल के लिए। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ग्रेड रहेगा सिविल। और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आपने अगर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट रहेगी कौन कौन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, अनरिजर्व के लिए 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी नॉन क्लेमर के लिए 7 पोस्ट है और एससी के लिए 6 पोस्ट है। तो कुल मिला के इस तरह से पोस्ट निकल के आ चुकी है, अच्छी खासी पोस्ट है, आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर ले दोस्तों, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है। चलो सैलरी के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 CPC के तहत आपको यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, मतलब 44,900 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है दोस्तों, करीबन 45,000 रुपये सैलरी आपको पर मंथ यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा आपको होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपने डिप्लोमा किया है, प्राविधानिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा रिसीव्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल, मतलब अगर आपने बाहर से डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। आप सिर्फ अगर रेगुलर डिप्लोमा किया है 3 साल का तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर ले दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 18 साल है, मतलब कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर दिया गया, मतलब 40 साल के ऊपर आपका यहाँ पे एज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि अगर आप SC ST OBC हो तो आपके यहाँ पे 5 साल का रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 साल का रिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए तो ही आपको यहाँ पे 5 साल का रिलेशन मिलेगा। और एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 5 साल का रिलेशन देखने को मिल रहा है आर्म फोर्स के लिए, तो आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो मैक्सिमम 15 साल का यहाँ पे रिलेक्सेशन आपको मिलने वाला है। और अगर PW कैंडिडेट हो तो भी आपको यहाँ पे 15 साल का रिलेक्सेशन मिलेगा, तो इस तरह से यहाँ पे आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर कौन से रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में देख सकते हो, जैसे कि वाराणसी, लखनऊ, आगरा एंड मेरठ, इन सिटी में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। एग्ज़ाम जो है वो CBT रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और उसी के ऊपर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ये 4 सिटी में आप कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके करीब रहेगा। उसके लिए आपको 200 मार्क्स की एग्ज़ाम रहेगी, उसके लिए समय रहेगा 3 घंटे का, मतलब 3 घंटे में आपको 200 मार्क्स की एग्ज़ाम कंप्लीट करनी है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि क्या क्या रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल नॉलेज रहेगा, अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे और 150 क्वेश्चन जो है साल भी फ्रॉम डिप्लोमा लेवल सिविल इंजीनियरिंग के जो है उसके ऊपर आपके 100-150 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेट होने वाला है और आपका करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देनी होगी, आप यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर लें और उसी के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। आपको साथ में जाते टाइम एडमिट कार्ड कैरी करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के टाइम पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैरी करना पड़ेगा, उसके बाद में वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी आपके साथ में लगेगा, पासपोर्ट साइज़, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक आपको लगेगा जो कि अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे जा रहे हो तो आपके साथ में होना ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ ले, सारी चीज़ें दी गई है। अभी फ़ीस कितनी लगने वाली, चलो उसके बारे में बात करते हैं। आप अगर SC कैंडिडेट हो उत्तर प्रदेश से तो आपको 826 रुपये यहाँ पे फ़ीस के तौर पर लगेंगे। उसके बाद में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो या OBC हो, तो आपको यहाँ पे 1180 रुपये फ़ीस लगेगी। प्लस PS हो तो मतलब फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको सिर्फ 12 रुपये लगेंगे। और अगर आप अदर देन स्टेट UP बाहर के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 1180 रुपये फ़ीस के तौर पर लगने वाले हैं। और फ़ीस जो भरनी है वो आपको एक तो ATM थ्रू या तो फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी भर सकते हो, या तो फिर SBI से चलन भर के भी आप यहाँ पे अपनी फ़ीस जो है वो भर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें दी गई, जैसे कि कैरेक्टर्स कैसे रहेगा, मैरिटल स्टेटस क्या होनी चाहिए, फिजिकली फिटनेस आपको क्या क्या लगेगा, मतलब कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, आप डिटेल्स में पढ़ ले।
दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, टोटली ऑनलाइन तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.uppcl.org। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है और उसी के ऊपर जाके आपको ऑनलाइन सबमिट भी करना है। तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी है, यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों निकली हुई भर्ती है, आप अगर यहाँ पर काम करने के लिए इच्छुक हो तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। चलो दोस्तों अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट जो है वो 25 मार्च से चालू हो चुकी है और लास्ट डेट है 18 अप्रैल, मतलब 18 अप्रैल तक आप यहाँ पे कभी भी अप्लाई कर सकते हो। बाद में एप्लीकेशन ऑफ फीस जो भरने के लिए डेट है वो भी 25 से 18 के बीच में आप कभी भी फीस भर सकते हो। उसके बाद में चार्जेस जो है SBI चलन भर के आप एप्लीकेशन फ़ीस कम प्रोसेसिंग के लिए भी 25 से 20 अप्रैल दिया गया है। और CBT जो आपकी है वो चौथे वीक में होगी, मई महीने के फोर्थ वीक में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें दी गई है दोस्तों, आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें और आपकी इच्छा हो गवर्नमेंट जॉब करने की तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे नया वीडियो बनाओ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।